हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही सुंदर और न्यू डिज़ाइन बाजू का मैं बना करके बताऊंगी। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। ये देखिए, हमने 11 इंच कपड़ा लिया है। ये मैंने हाफ बाजू बनानी है, तो जो इसकी चौड़ाई है वो 10 इंच ली है। ठीक है, इसकी खुली साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे। ठीक है, जो हमने ये लेंथ ली है, हमने 7 इंच की लेनी है इसकी बाजू की। ठीक है, इस तरीके से हमने 7 इंच में निशान लगा दिया। और अब जब बाजू की मोरी है वो हमने लेनी है 5.5 इंच की, तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच में निशान लगा देना है। चाहे तो आप इसको फुल बाजू भी बना सकते हैं या क्वार्टर इंच भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाफ बाजू बनाई है। तो इस तरीके से मेथड एक ही है सब बाजू बनाने का। तो ठीक है, इसका आर्म होल मैंने 8 इंच लिया है और डीप कटिंग मैंने 2.5 इंच पे करनी है। ठीक है, तो साइज़ के हिसाब से जो डीप कटिंग है वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, इस हिसाब से हमने निशान को मिला दिया। और यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है और ये बिल्कुल भी कपड़ा नहीं हमने कट करना है। ठीक है, जो गैदर्स पड़ेंगे इसी कपड़े में से पड़ेंगी, तो इसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है वो है 4 इंच का। ठीक है, तो 4 इंच का हमने कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर बाजू बनके तैयार होगी, बिल्कुल नई बाजू आई है मार्केट में। ठीक है, तो ये आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये बहुत सिंपल बाजू है इसको बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कपड़े को खोला। खोलने के बाद ये जो हमने जो कट लगाए थे यहाँ पे, और इस तरीके से हमने 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, 1/2 इंच हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करा और जहाँ पे हमारा कट था वहाँ पे रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई बिल्कुल सीधी ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ था दूसरे कट तक, हम इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो इलास्टिक है, ठीक है, ये देखिए, ये वाली इलास्टिक है 1/2 इंच से भी कम है, तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को हाफ नापना है। ठीक है, ये देखिए, हाफ इलास्टिक हमने कट कर ली है। तो इलास्टिक को हम नाप लेंगे कितनी चौड़ी है, उतने ही हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर ऊपर ही बिल्कुल इतनी दूरी पे ही हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है और इलास्टिक को हम ये पिन की मदद से हम इस तरीके से पिरो देंगे। ठीक है, सेफ्टी पिन ले लीजिए और सुई ले लीजिए, जिससे आपको सही लगे उसकी मदद से आप पिरो दें। और इस तरीके से आपने एक साइड से इसको पक्का कर देना है ताकि इलास्टिक जो दूसरी साइड से ना निकले जब हम दूसरी साइड से खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड को भी इस तरीके से पकड़ते हुए इसको भी पक्का कर देंगे। ठीक है, सुई को निकाल देंगे और यहाँ पे भी हम पक्का कर देंगे। तो इसका फाइनल लुक आप देखिएगा कितना अच्छा आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम खींचेंगे, जो गैदर से हमारी एक तरह सब तरफ से एक जैसी हो जाएंगी। तो ठीक है, उल्टी सीधी साइड आप खुद देख लें और इस तरीके से मिलाते हुए आप इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने स्टिच कर देना है। और जो आर्म होल पे हमने कट लगाया था यहाँ तक आपने सिलाई लगा करके उतार देनी है सिलाई। तो ये हमारी बाजू बन गई है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दें। अब इसको हम सीधा करके बताएंगे इसका लुक किस तरीके से आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने सीधा कर दिया है और कितनी प्यारी और कितनी अच्छी यूनिक बाजू बन के आपके सामने आई है, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।